आज मैं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से एक यातायात के एक ऐसे कोहिनूर से आपको मिलाने जा रहा हूं जिनका भी हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। उनके सभी शुभचिंतक भी यहां मौजूद हैं। आज उनसे हम जानते हैं कि शिक्षा से लेकर यहां तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया है। उनका नाम है महेश मिश्रा। आइए महेश मिश्रा जी से हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कैसे यह सफर उन्होंने तय किया। जी महेश जी, ये बताएंगे कि कैसे ये सफर आपने तय किया, पढ़ाई से लेकर के आप आज बुक ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, कैसे दर्ज किया आपने? जी आप सभी को नमस्कार, मैं महेश मिश्रा लांस नायक यातायात बैकुंठपुर से। देखिए मैं शुरू से ही बैकुंठपुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर जो ग्राम खैरी पटना है वहाँ मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि के साथ प्रारंभिक जो मेरी शिक्षा है प्राथमिक शाला की वो गांव के ही प्राथमिक पाठशाला डकईपारा से हुई। इसके बाद माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है वो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटना में और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात मैंने शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर में बीए प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में नियमित छात्र के रूप में अपनी दाखिला ली है। उसके बाद प्रथम वर्ष में अध्ययनरत रहने के दौरान ही मैं इस सेवा में आया और इस सेवा में आने के बाद चूंकि मुझे यातायात में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो इस तरह से मैंने जब यातायात में आया इसके बाद स्वाध्यायी छात्र के रूप में मैं नियमित शिक्षा से जुड़ा रहा और शिक्षा से जुड़े रहने के साथ ही साथ मैं तीन विषयों में एमए संस्कृत राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। साथ ही अभी वर्तमान में पीएचडी स्कॉलर के रूप में भी अध्ययनरत हूँ। तो इस तरह से शिक्षा का यह दौर तब से लेकर अब तक निरंतर चल रहा है। कैसा महसूस करते हैं जब समाज सेवा के रूप में देखते हुए आप ऐसा काम करते हैं और वह मौका आपको नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए? नहीं देखिए, कर्म करना अपना काम है और चूंकि मैं पूरे तन मन से लगा हुआ हूं कर्म में, जब से यातायात में आया हूं तो मेरा मुख्य उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में किस तरह से कमी लाई जा सके, इसी उद्देश्य को लेकर पूरा का पूरा अभियान जो मेरा यातायात जन जागरूकता का अभियान है बृहद पैमाने पर पूरे जिले में बल्कि अन्य जिलों में भी प्रदेश में संचालित हो रहा है। सांकेतिक चिन्हों और एवं अन्य कई तरह के यातायात नियमों का आप पाठशालाओं में जाकर के भी जागरूक करते हैं, युवाओं को भी जागरूक करते हैं, कभी सड़क पर जागरूक करते हैं, कैसा लगता है उस समय, क्या अनुभव मिलते हैं? देखिए क्या है, जब आप काम करेंगे तो काम के साथ आपका एक नाम जुड़ता चला जाता है और नाम जब जुड़ता है तो एक सुखद अनुभूति होती है कि जो मैं कर रहा हूँ उसका एक सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलता है। स्कूल कॉलेजेस हों, हाट बाजार हों, चौक चौराहे हों, जहाँ भी यातायात जागरूकता अभियान का संचालन मेरे द्वारा किया जाता है निश्चित रूप से इसमें विभाग की पूरा योगदान, आम जन का पूरा योगदान, विद्यालयीन छात्र छात्राओं का योगदान, शिक्षक शिक्षिकाओं का योगदान, तो एक टीम वर्क टाइप का काम हो जाता है, सभी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान मिलता है, साथ मिलता है, सहयोग मिलता है, तो काम करने में भी मजा आता है। आइए हमारे साथ और भी कई जन मौजूद हैं, जानते हैं कि महेश मिश्रा जी का काम कैसा है। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी मौजूद हैं। योगेश जी ये बताइए महेश मिश्रा जी का कैसा काम है? देखिए मैं तो महेश मिश्रा जी को ट्रैफिक मैन के नाम पे 2006 से जानता हूँ जब ये सेवा में आए हैं, क्योंकि मैं स्थानीय नागरिक हूँ और इनकी सेवाओं को शुरू से देख रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन समाचार पत्रों में इनकी कोई ना कोई खबर आपको जरूर मिल जाएगी। 2006 से अगर बात करें तो अब तक नहीं तो कम से कम 300-400 आयोजन जो विभिन्न कैंपों के माध्यम से विद्यालयों में हो, चाहे एनएसएस या एनसीसी के कार्यक्रमों में हो या महाविद्यालयों में हो, ऐसे अनेक अलग अलग स्थलों पर अनेक अलग अलग आयोजनों पर ये कार्यक्रम करवा चुके हैं और विशेष रूप से यातायात जागरूकता को लेकर इनके जो कार्यक्रम हैं वो सराहनीय हैं और बल्कि यातायात दुर्घटनाओं में जो कमी आई है वो निस्संदेह इनके प्रयासों का प्रतिफल भी है। और मैं एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा आपको कि महेश मिश्रा को उनके कार्यों के प्रतिफल में कई अवसरों पर सम्मानित भी किया गया है। इसमें अगर अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ रत्न से इन्हें नवाजा गया था,
इसके अलावा मैं तो समझता हूँ स्थानीय स्तर पर ऐसा कोई आयोजन नहीं होता होगा जिसमें इनको सम्मान न दिया जाता हो। छोटे बड़े हर आयोजनों में महेश मिश्रा जी को उनकी भूमिका के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए हमेशा कुछ न कुछ मिलता रहा है। और अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में महेश मिश्रा को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए, उनकी उपलब्धियों के लिए एक बड़ा सम्मान मिला है। और ये केवल इस जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि कोरिया जैसे छोटे से जिले में इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ रहकर और स्वयं के साधनों से, संसाधनों से ये जो है इस तरह की सेवाएं दे रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन जरूर महेश मिश्रा जी वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। चलिए, हमारे साथ व्यापारी के रूप में शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी, शहर का नाम महेश मिश्रा जी ने रोशन किया है और पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, कैसा लग रहा, कैसा अनुभव? सबसे पहले तो महेश मिश्रा जी को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए जो इंडिया बुक ऑफ में नाम आया है इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बधाई के पात्र हैं। और महेश मिश्रा बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे हैं और ये अपनी यातायात अपने विभाग के ही नहीं, सामाजिक, धार्मिक और सभी सोशल वर्क जितने हैं सब में बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेते हैं, यह इनकी मेन जो है खूबी है। और ईश्वर से प्रार्थना कि आगे तरक्की करते रहे, बस। चलिए, हमारे साथ सचिन गुप्ता जी मौजूद है। सचिन गुप्ता जी, आप महेश मिश्रा जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत करीब भी रहे हुए हैं, कैसा लग रहा है जब उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? हम शहरवासियों को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। ये मुझे लगता है कि जो अवार्ड मिला है ये थोड़ा लेट मिला है इनको, इनको बहुत ही पहले मिलना था। और ये तन मन धन सबसे समर्पित हैं और मेरे और हमारे सब दोस्तों के जिलों की ये शान है। और महेश मिश्रा आज बच्चे बच्चे के मुंह में है। आज कभी हम अपने बच्चे से पूछते ना बेटा कि ट्रैफिक वाले कैसे होते, तो बोलता महेश मिश्रा अंकल जैसे होते हैं। मतलब हर जगह वो छाए हुए रहते हैं, वो कहीं रोड बनवाते देखते हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो, तो वो अपने ही पैसे से, मैं ऐसा पहला इंसान देखा हूँ जो अपने पैसे से वो रोड बनवाते हुए देखा हूँ। किसी का अगर एक्सीडेंट रात को होता है तो लोगों के पास डायल नंबर सिर्फ महेश मिश्रा का ही होता है। आइए, हमारे साथ शिक्षक के रूप में चेत नारायण जी मौजूद है, महेश मिश्रा जी के बहुत करीबी भी हैं, मित्र रहे हैं। कैसा लग रहा है कि महेश मिश्रा जी को बुक ऑफ इंडिया में नाम दर्ज हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये कोरिया जिले के लिए गौरव की बात है, अपितु पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि महेश मिश्रा जी ट्रैफिक क्षेत्र में अद्भुत उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उनके द्वारा कई बार यातायात जागरूकता, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। और पिछले लॉकडाउन के दौरान जब सड़कें खराब थी तो उन्होंने अपने पैसे से उसको रिपेयर करवाया और इनके द्वारा बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया गया है। और हम लोग सभी जिले वाले गौरवान्वित हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। आइए, हमारे साथ यहाँ के नागरिक भी मौजूद हैं, शहर के, कैसा लग रहा है शहर में एक युवक का, शहर के युवक का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? देखिए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने के लिए हमें पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को गर्व होना चाहिए और कोरिया के लिए तो विशेष गर्व की बात है। मैं लगभग सन 2012 सर्विस में आया हूँ और तब से इनको जान रहा हूँ। प्रत्येक विद्यालय में जाकर स्वव्यय अपने खर्च करके उनका लाइसेंस कैसे बनवाना है, ट्रैफिक के नियमों का पालन कैसे करना है, एक एक विद्यार्थियों को उस चीज़ों को स्कूलों और कॉलेज के माध्यम से, मैं स्वयं भी प्रिंसिपल हूँ और हमारी संस्था में इन्होंने अनेक बार विजिट किया और उसका लाभ निस्संदेह हमारे बच्चों को मिला। स्पेशली हमारी हायर सेकेंडरी स्कूल है, क्लास 12th के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो घर में स्कूटी या बिना बताए ही बाइक लेके जाना चाहते हैं और अगर उनको ट्रैफिक की सही जानकारी नहीं होती तो ये इसके परिणाम अच्छे नहीं होते, जो कि इन्होंने जागरूक करके एक बेहतरीन कार्य किया है, आज उसका परिणाम सार्थक। चलिए, महेश जी, आप इतने कैंपों में आयोजन करते हैं कैंपों का, कई बार आप सड़कों पर भी युवाओं को रोक करके बताते हैं कि हेलमेट लगा करके चलिए, तीन सवारी मत चलिए, तो उस समय उनका रिएक्ट कैसा, कैसा रिएक्शन रहता है? नहीं, देखिए क्या है, जो दवा है थोड़ी कड़वी होती है, तो किसी को आप अगर रोक के टोक के कहेंगे कि तीन सवारी मत चलिए, कानूनन रूप से आप सही नहीं है, तो हो सकता है चंद क्षण के लिए उनको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन अगर बुरा लग रहा है तो आपको दोबारा फिर टोकना है। दवा कोई कड़वी हो तो एक टाइम खा के आप दूसरे टाइम बंद नहीं कर सकते, तो दोबारा फिर मिले तो फिर आप टोकिए।
तो होता क्या है, एक बार दो बार चार बार किसी बात का आप समझाइश देंगे तो निश्चित रूप से उनके जहन में ये बात आती है, खासकर युवाओं और बच्चों में। नाबालिग बच्चे भी कुछ होते हैं जो गाड़ी चलाने के शौकीन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, शौक है, उम्र है, तो उनके स्कूल कॉलेजों में जाकर हम यही कहते हैं कि आप बेशक 18 वर्ष की आयु पूरी होने दीजिए, वैध ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए, उसके बाद वैध तरीके से आप चलाइए, कहीं कोई रोक नहीं है, पर अभी आपके जान को खतरा है। अभी चूंकि आप परिपक्व नहीं है, अनुभव नहीं है, इसलिए आप वाहन अपने हाथों में न लें। तो समझाइश के दौरान कई बार ऐसा अवसर आता है कि लोग उसको सोचते हैं कि हमको बार बार टोक रहे हैं, कोई गाड़ी मान लीजिए जैसे कोई पार्क कर रहे हैं सड़क पे, आप टोकेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि हमको बार बार ये मना करते हैं, पर वो उन्हीं के लिए है, उन्हीं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि गाड़ी सड़क पे खड़ी है, कोई बड़ी गाड़ी आई, टकराई, दुर्घटना घटित होगी, इसलिए समझाइश देते रहने से निश्चित रूप से लोग इसका पालन कर रहे हैं। और इसमें आप इसका जो सार्थक परिणाम ये है कि आए दिन जो सड़क दुर्घटनाएं घटित होती हैं उसमें कमी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ राजीव सर हैं और ये स्काउट के टीचर भी हैं। इन्होंने कई बार कई कैंप इनके साथ भी लगाए हैं और कई बार एक अनुभव शेयर किया है, कैसा लग रहा है आपको? आज मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि श्री महेश मिश्रा ने न केवल जिले बल्कि राज्य और देश का नाम भी रोशन किया है, जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है। हमने बहुत सारे कैंप साथ में किए और जब भी ट्रैफिक से संबंधित कोई भी समस्या होती तो स्कूल्स और कॉलेजेस में इन्होंने प्रशिक्षण दिया है और अपने इतनी सरल भाषा में यातायात के नियमों को समझाया है कि बच्चे आज बहुत अधिक लाभान्वित हुए हैं और बहुत गर्व का विषय है कि आज इन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जी हमारे साथ और भी कई लोग मौजूद हैं, हमारे साथ गौ सेवा के जो हैं, गौ सेवा से अनुराग दुबे जी मौजूद हैं जो कई बार यहां से देखते रहते हैं महेश मिश्रा जी के कार्यों को, इनसे जानते हैं कि किस तरह के कार्य महेश मिश्रा जी करते हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य महेश भैया जी के द्वारा। अभी वर्तमान में जब बरसात आई थी मेरे द्वारा इनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि जो भी आवारा गौवंश रोड में घूम रहे हैं उसमें हर जगह ट्रैफिक पुलिस रेडियम बेल्ट पहनाती है, यहाँ नहीं होता, पर उन्होंने मेरी बात को सुना और तुरंत गंभीरता से 15 दिन के बाद जितने भी गौवंश शहर में घूम रहे थे उन सब के गले में रेडियम बेल्ट पहनाया। उससे जो एक्सीडेंट होते थे गाय वगैरह से टकरा के वो बंद हो गए। कितना दुभर कार्य था महेश जी, इन गौ वंशों के गले में रेडियम का बेल्ट बांधना। देखिए चूंकि आवारा पशु है तो थोड़ा खतरा तो रहता है कब आपके ऊपर हमला कर दें। एक दो वीडियो भी वायरल हुए थे, आप देखे होंगे कि चूंकि एक दो ऐसे मवेशी थे जिनको रेडियम पट्टा बांध पाना बहुत कठिन कार्य था, लेकिन हमने कोशिश की, टीम के साथ कोशिश की और लगभग शहर में जितने आवारा पशु घूमते हैं उनके गले में रेडियम पट्टा बांधने कार्य किया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था जैसा कि अभी अनु भैया जी ने बताया कि आए दिन जो आवारा पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाएं घटित होती हैं, क्योंकि अंधेरे में बैठे रहते हैं, रोशनी कम होती है, तो रेडियम पट्टा होने से जब लाइट का रिफ्लेक्ट पड़ेगा रेडियम पर तो उससे वाहन चालक दुर्घटना घटित होने से बच सकते हैं। अब तक कितने कैंप आप लगा चुके हैं और आगे क्या आपका उद्देश्य है बताएंगे? देखिए प्रतिवर्ष लगभग 50 से अधिक कैंपों का आयोजन मेरे द्वारा किया जा रहा है, हो सकता है किसी वर्ष और अधिक भी कैंप लगे हों, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि अधिक से अधिक कैंपों के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा जाए, जन जन तक पहुंचा जाए और यातायात का जो नियम कानून संकेत है इनको सब वाहन चालकों तक अवगत कराएं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि लगभग इस जिले के साथ साथ आसपास के और जिलों में भी जाकर यातायात नियमों की जानकारी प्रदान कर रहा हूं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। आज ही एक बालिका का तालाब में कूदने की बात सामने आई थी कि एक बालिका तालाब में यहाँ कूद गई है, तो उस पर भी आप गए हुए थे, क्या था?
नहीं देखिए, टेलीफोन के माध्यम से सूचना मिला कि ऐसा कोई घटना घटा है, तो चूंकि नगर सेना की जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पर पहुंच गई थी और उन्होंने रेस्क्यू करके उसके शव को बरामद भी कर लिया। तो उस दौरान क्या होता है, ऐसे कोई वाकया जब शहर में घटित होती है तो लोग अचानक से उस ओर मूवमेंट होता है लोगों का और लोग दौड़ के वहां जाते हैं, भीड़ एकत्रित होती है और जाम की स्थिति निर्मित होती है। तो इन जगहों पर पहुंचना हमारा प्राथमिक उद्देश्य रहता है कि जो ऐसे अचानक से कोई कारण निर्मित हो तो वहां आप पहुंचे और यातायात व्यवस्था सामान्य रूप से बहाल रहे। परीक्षाओं के समय यहां पर अक्सर देखा गया है जाम की स्थितियां निर्मित होती है, उस समय के क्या अनुभव रहते हैं आपके? होता क्या है, परीक्षा जब छूटती है, कोई भी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की हो या पीएससी की हो या अन्य कोई ऐसे परीक्षा जो एक साथ अधिक से अधिक लोग जिसमें शामिल हो रहे हों, तो जब परीक्षा के छूटने का टाइम होता है तो निश्चित रूप से 4-6 हज़ार लोगों का एक साथ मूव करना और चौराहे पे इकट्ठा होना, जाना आना, उस टाइम जाम की स्थिति निर्मित होती है। पर हमने कोशिश की है कि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो बीच से दूर, चूँकि सड़कों की बनावट जो हमारे बैकुंठपुर शहर की है अभी इस योग्य नहीं है कि आप एक तरफ के ट्रैफिक को रोककर दूसरे तरफ पार कर सकें, एक ही सड़क पर जाने आने का क्रम आपको बरकरार रखना है, तो उस समय दिक्कतें जो आती हैं, चूंकि अनुभव काम आता है, लंबे समय से यातायात व्यवस्था का संचालन हो रहा है तो एक जो आपको अनुभव होता है, हम कोशिश करते हैं कि जाम की स्थिति निर्मित न होने पाए। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ और ये शहर के लिए गौरव की बात है, शहर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, आपके विभाग के लिए भी और साथियों के लिए भी गौरव की बात है और आपको बधाइयां भी मिल रही होगी, आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है मेरे लिए, मेरे साथ साथ जिले वासियों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये न केवल मेरा सम्मान है, कोरिया जिले का सम्मान है, कोरिया जिले का नाम प्रदेश और देश स्तर पर हो रहा है, तो मैं गौरवान्वित हूँ और साथ ही साथ जो अनेकों ने शुभकामनाएं आ रही हैं लगातार, कल तो ऐसा था कि दिन भर रात भर चला, आज भी बधाइयों का दौर चल रहा है, तो निश्चित रूप से मन बहुत प्रसन्न है और जिले वासियों के लिए गौरव है तो मैं तो प्रसन्न हूँ ही। एक समय ऐसा भी था जब आप फूल दे करके लोगों को वो कर रहे थे कि फूल दे करके लोगों को समझाइश दे रहे थे और उसके बाद फिर वह फूल देने के बाद लोग अपने को एक महसूस कर रहे थे कि अपनी गलती भी महसूस कर रहे थे और यह सोच रहे थे कि यह फूल उन्हें क्यों दिया गया, क्या था मामला? देखिए क्या है, हमने दो तरीका अपनाया, पहले फूल देने का काम गुलाब फूल भेंट करते थे उनको जिन्होंने यातायात नियम का अच्छे से पालन किया, जैसे कोई सीट बेल्ट लगा के चल रहे हो, हेलमेट लगा के चल रहे हो, बकायदे आगे पीछे विधिवत गाड़ी में नंबर अंकित हों, ट्रैफिक नियम का पालन करके जिधर से आपको मुड़ना है उधरी से मुड़ रहे हों, चूंकि यहाँ पे सिग्नल लाइट अभी चालू नहीं है, तो ऐसे लोगों को हमने सम्मानित किया घड़ी चौराहे पीस। लेकिन बाद में क्या किया, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नियमों की अवहेलना करके चलते हैं, तो उनको हम क्या किए, जो नियमों को तोड़कर चल रहे हैं उनको रोककर और पुष्प भेंट करने लगे कि भैया आप रुकिए और ये फूल लीजिए और दोबारा से आपसे हाथ जोड़ के विनती है कृपया हेलमेट लगा लीजिए, ये आपके जान माल की सुरक्षा के लिए है। तो उनको थोड़ा सा शर्मिंदा होना पड़ा कि हम नियम की अवहेलना कर रहे हैं और हमारा सम्मान हो रहा है, तो ऐसा इसलिए किए कि कम से कम लोग देखें और दोबारा नियम तोड़ते कोई न मिले, कहीं हमको भी फूल न मिल जाए, तो ऐसा प्रयास किए कि जिससे जो नियम का पालन करने वाले उनका पहले सम्मान हो गया और जो तोड़ने वाले हैं उनको भी सबक मिल गई। ऐसा नहीं लगता कि आपको यदि कहीं और मौका मिले तो और बेहतर काम कर सकते हैं? देखिए, कर्म करना अपना कर्तव्य है, जहां भी हमें अवसर प्राप्त होगा मैं निश्चित रूप से जगह भी रहूं, जिस स्थिति में रहूं, ये यातायात जागरूकता अभियान चलता रहेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिले में ये सड़क दुर्घटना एकदम न्यूनतम स्तर पर आ जाए। जब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ तो परिवार में इसको लेकर कैसा उत्साह था? मैं एक सफर के दौरान था जब मुझे मेल से कंफर्मेशन प्राप्त हुई कि आपका चयन कर लिया गया है,
उसी के बाद मैं चूंकि सूचना प्रसारित किया घर में और सबको, तो घर में चयन के प्रक्रिया के दौरान भी ये बातें चल रही थी कि नाम का जो ये दौर है चयन करने का चल रहा है, बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही थी। पिताजी, माताजी और धर्मपत्नी जी, भाई हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं, सब बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे कि एक बड़ा अचीवमेंट घर के लिए आया है। खासकर पूरे रिश्तेदारों का इतना प्यार भरा शुभकामना संदेश प्राप्त हो रहा है, फोन कॉल से सूचना मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमारे साथ और भी कई मौजूद हैं महेश मिश्रा जी के साथीगण, हम उनसे चर्चा करते हैं। आइए, कैसा महसूस कर रहे हैं? महेश मिश्रा जी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। आपके बीच के हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी एक ट्रैफिक नाते इतना इनका नाम आया इंडिया बुक में जी। हम इनसे बात चर्चा कर लेते हैं, महेश जी के ये भी अच्छे मित्रों में से हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही गर्व की बात है, आज उनसे जुड़े हैं हम, बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से कोरिया के एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं महेश मिश्रा जी, और निरंतर इनका समाज सेवा में जो भी योगदान है वो ऐसा ही चलता रहे, हम लोग सीखते रहें, और बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा हूं मैं। सभी तरह से बधाई आ रही हैं, निश्चित रूप से प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है, सम्मान की बात है। लगातार वो अपना हर क्षेत्र में इस मुकाम पर आगे बढ़ते रहें, आज जिले में एक रत्न की में मतलब पहचान है, कोरिया जिले की एक पहचान के रूप में महेश मिश्रा आज हमारे बीच हैं, और बहुत ही खुशी है इस बात की, उनको लख लख बधाई है। निश्चित रूप से उनकी जो भी आगे भविष्य में इच्छाएं हैं वो सब इच्छाओं को पूरा करें पाए और निरंतर ऐसे बढ़ते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद जी। महेश जी, आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं आगे चलकर? देखिए, अब मेरा उद्देश्य तो यही है कि मैं और इस विभाग में ऊंचे मुकाम पर पहुंचूं और निरंतर प्रयासरत हूँ। कोशिश रहेगी कि और ऊपर पहुँचकर, ऊंचे पायदान पर जाकर और अच्छे से इन चीज़ों का क्रियान्वयन करूँ और अच्छे कैंपों का आयोजन करूँ, जिससे लोग, अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें, क्योंकि पूरा शहर, पूरा जिला इस पूरे अभियान में मेरे साथ है। बेशक इतना अच्छा साथ और सहयोग मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिले वासियों का इसमें होगा जितना कि मुझे प्राप्त हो रहा है। सचिन जी, किस स्थान पर महेश मिश्रा जी को आप देखना चाहते हैं? मैं इनको जिले का सबसे बड़ा अधिकारी के रूप में देखना चाहता हूं कि वो ट्रैफिक के जो है सबसे बड़े अधिकारी के रूप में इस जिले में गद्दी पे बैठे, और ये इतने अच्छे सराहनीय कार्य कर रहे हैं जिससे कि हम शहरवासी हर पल यही सोचते हैं कि महेश भाई ट्रैफिक के लिए अब क्या कल कुछ नया करने वाले हैं। योगेश जी, आप जो बैकुंठपुर में ही रहते हैं, तो महेश मिश्रा जी के अलावा और कौन ऐसे कार्य कर रहे हैं और इतने अच्छे से? देखिए, मैं महेश मिश्रा जी जो अपनी ड्यूटी है उसको तो बहुत तरीके से निभा रहे हैं, ये तो जगजाहिर है, लेकिन मानवीय संवेदनाएं महेश मिश्रा जी में बहुत सारी हैं, और कई बार हम लोग को समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ने को मिलता है और बल्कि देखने को भी मिलता है कि किस तरीके से कभी दीन दुखियों की सेवा करते हुए, तो कभी खुद के खर्चे से सड़क सुधार का काम करते हुए, कभी पशु पक्षियों के लिए व्यवस्था करते हुए, इस तरह के ऐसे अनेकों उदाहरण हम लोग बार बार सुनते हैं और देखते हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि ये महेश मिश्रा पूरी तरह से एक संपूर्ण मैन, एक पूर्ण जो संपूर्ण मैन जो जो उपाधि दी जानी चाहिए उसकी उपाधि के हकदार हैं, और निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि अभी इनको हासिल हुई है, और इसी तरीके से ये काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, वो हम लोग की शुभकामनाएं जो हैं इनके साथ। निश्चित तौर पर हमारे साथ सुनील जी भी मौजूद हैं, संक्षिप्त में सुनील जी बताइएगा कि महेश मिश्रा जी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, कैसा लग रहा है और आगे और क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं महेश भैया को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा कि एक कोयलांचल का एक छोटा सा शहर है बैकुंठपुर, और यहाँ से एक मानपुर जैसे छोटे से गांव से आकर और इतनी बड़ी उपलब्धि शहर को दिलाए हैं, इसके लिए हम लोग सब गर्व महसूस कर रहे हैं।
महेश मिश्रा जी मेरे कॉलेज के समय से मैं सीनियर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं कि ये समाज सेवा में आज पहली बार रहे हैं, शुरू से ही राष्ट्रीय सेवा योजना में रहे, वहां से भी हम लोग इनको देखते थे, इनसे हम लोगों ने प्रेरणा भी बहुत सारी ली है कि किस तरीके समाज की सेवा करना है। कोविड का भी समय चल रहा था, फोन करके पूछते थे हम लोगों से कि कहीं पर अगर कोई ऐसा असहाय हो तो मेरे को फोन कर लेना, या कोई बाहर से कोई आता था अगर बॉर्डर में कहीं पर आने में दिक्कत हो रही है तो उनसे हम लोग सहायता ले लेते थे। तो मुझे लगता है कि आगे तो और अच्छा करेंगे, और जब इतनी बड़ी उपलब्धि मिल जाए तो एक नई ऊर्जा और नया जोश भी आ जाता है, और बाकी लोग भी इनसे देख के स्टाफ के लोग भी बहुत खुश। बिल्कुल, महेश मिश्रा जी ने शहर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन किया है। हम सभी से जान रहे थे, महेश मिश्रा जी से भी जाने, अगर एक अच्छा मौका महेश जी को मिलता है तो निश्चित तौर पर महेश मिश्रा जी एक अच्छा काम और अच्छे से कर सकते हैं। और सभी का साधना न्यूज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं के आर गिरी जी को बुलाना चाहूंगा कि के आर गिरी जी समापन की घोषणा करें। आज बैकुंठपुर घड़ी चौक पर मैं सभी साधना न्यूज पर सभी बैकुंठपुर के गणमान्य नागरिकों का और यातायात के समस्त स्टाफ का साधना न्यूज की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।